ओसीडी माइंड को भूलकर भी नेगेटिव डाइट न दें, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के अंदर भूलकर भी अपने माइंड को नेगेटिव डाइट न दें। वह नेगेटिव डाइट कौन सी है, उस डाइट से हम किस तरीके से बच सकते हैं और उस डाइट को माइंड को देने से हमें क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि ओसीडी में वह कौन सी नेगेटिव डाइट है जो हमें अपने माइंड को नहीं देनी है, जिससे हमें बहुत बुरी तरह से नुकसान हो सकता है। बहुत सारे वीडियोस में हमने ओसीडी डाइट के बारे में बात किया कि ओसीडी के अंदर ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, इन चीजों को इतनी मात्रा में लेना चाहिए, इन चीजों को नहीं लेना चाहिए, इन चीजों को स्किप करना चाहिए, ये हमने बात किया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओसीडी के अंदर वह नेगेटिव डाइट कौन सी है जिसे हमें स्किप करना है, जो हमारे ब्रेन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है, हमारी ओसीडी को और बढ़ा सकती है, हमारे कंपल्शन को और बढ़ावा दे सकती है और वह हमें बुरी तरह से परेशान कर सकती है। तो वह नेगेटिव डाइट है, वह है आपके नेगेटिव थॉट, आपके नेगेटिव थॉट, आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, आपके नेगेटिव आंकड़े जो आप अपने ब्रेन को परोसते रहते हो। इसमें क्या होता है कि जो आपने नेगेटिव आंकड़े इकट्ठे करके रखे हुए हैं, वह आप अपने ब्रेन को बार बार याद दिलाते रहते हो। और मैं बहुत सारे सेशन में बोलता भी हूं कि आपने अपनी ओसीडी को, अपनी कोई भी मानसिक समस्या है, उसको आपने मजबूरी बना के रखा हुआ है, उसको मजबूरी की तरह पाले हुए जा रहे हो। और बहुत बार तो सेशन में मैं यह भी बोल देता हूं कि आपने मजबूरी को मम्मा बना के रखा हुआ है। तो मजबूरी को आपने मम्मा किस तरीके से बना के रखा हुआ है कि आप हमेशा एक चीज का ब्यौरा देते हो ओसीडी के अंदर, सर मैं क्या करूं, मैं ये कर सकता था परंतु मेरे ये प्रॉब्लम है, सर मैं ये कर सकता था, मैं जॉब कर सकता था, ये कर देता वो कर देता, मैं ये एक्सरसाइज कर देता वो कर देता परंतु मुझे ओसीडी है, सर मुझे बाहर जाने से घबराहट होती है, सर मुझे ये डर लगता है, सर मुझे वो लगता है, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ सर, मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ पर मेरे को ओसीडी है, सर मैं क्या करूँ, सर मेरे को कंपल्शन होते रहते हैं, सर मुझे ये थॉट परेशान करते रहते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी मजबूरी को अपनी मम्मा बना के रखा हुआ है और अब आप उसे पालते पोसते जा रहे हो, बहुत बड़े लेवल में पालते पोसते हो कि हाँ जो कुछ है यही है, और उसके सहारे आप उसके पीछे छिपे हुए रहते हो। कोई भी चीज आपको परोसी जाती है कि आपको पॉजिटिव इस समय सोचना है, आपको अपने माइंड का पॉजिटिव घोड़ा दौड़ाना है, सर मैं क्या करूं, मैं सोच तो सकता हूं पर पिछले 5 साल से मैं ओसीडी से जकड़ा हुआ हूं तो मैं सोच नहीं सकता, ये एक्सक्यूज आपके इसके अंदर रहते हैं और जो मजबूरी को आपने मम्मा बना के रखा हुआ है यह आपको आगे नहीं आने देती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये नेगेटिव डाइट आप अपने माइंड को बिल्कुल न दें। ओसीडी के अंदर यह नेगेटिव डाइट है जो आप रोज परोसते हो अपने माइंड को, रोज परोसते हो, रोज याद दिलाते हो कि मुझे ओसीडी है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ये चीजें आप याद दिला दिलाकर आप अपने कंपल्शन को और बढ़ाते हो, अपने थॉट्स को और तीव्र करते हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहे हो। यदि इन चीजों को आप बढ़ाते रहते हो तो फिर ओसीडी आपकी ठीक होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोगों को ओसीडी के अंदर रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, इसी वजह से नहीं मिलता क्योंकि वह अपनी मजबूरी को बढ़ावा देते हैं, मजबूरी की आड़ में छिपे रहते हैं, मजबूरी को बहुत कुछ बना के रखा हुआ है, सर मेरे से ये नहीं होगा, सर मेरे से वो नहीं होगा, सर ये नहीं हो सकता वो, उन्होंने अपने माइंड के क्राइटेरिया को इस लेवल का बना दिया है, अपने माइंड सेट को इस तरीके से सेट करके रख रखा है कि हाँ मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये एक्सरसाइज नहीं होगी, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, और यदि मैंने कर भी लिया और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे लोग ये भी चीज़ सोचते हैं इसके अंदर कि यदि मैंने एक्सरसाइज कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया और फिर भी ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर तो इसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ये भी उस लेवल पे वो सोचते रहते हैं। यानी कि उन्होंने नेगेटिविटी में हदें पार कर रखी है और जो उनकी मजबूरियां हैं उनके सहारे छिप करके वह यह गेम खेल रहे हैं। तो
इस तरीके से आपको इसके अंदर उलझना नहीं है, अपनी मजबूरी को आड़े नहीं आने देना है। आपको अपना माइंडसेट सीधा तय करना है कि मुझे इस चीज से छुटकारा चाहिए और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगा और करके ही रहूंगा। यदि आप यह चीज करते हो तो आपकी ओसीडी, आज मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने मेरे को बोला कि सर आप ऐसा दावा करते हो, पीछे हमारा वीडियो आया जिसमें मैंने बोला कि 7 दिन में ओसीडी ठीक हुआ। कहते सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हम मानते ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं मानते, सामने वाले पे डिपेंड करता है आप कौन सा माइंडसेट लेकर के आते हो, आप क्या हमारे से उम्मीद लेकर के आए हो कि चलो इनका ट्रायल लेके आते हैं, इनको देख करके आते हैं, क्या करके आते हैं। यदि ये सोच करके आते हो तो फिर वो ठीक नहीं होती। और यदि आप यह सोच करके आते हो कि हाँ मुझे ठीक होना और बहुत जल्द ठीक होना और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो आप ठीक होते हो। तो इस तरीके से इसमें रिजल्ट मिलता है। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने माइंडसेट को इस तरह का तैयार करना है, इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हाँ मुझे ठीक होना है, हाँ मुझे ठीक होना है और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कोई भी चीज मेरे आड़े आए मैं उसको आड़े नहीं आने दूंगा, मैं उन सब चीजों से लड़ूंगा परंतु मैं अपनी ओसीडी को ठीक करके रहूंगा। ये जो वीडियो आज का रिकॉर्ड हो रहा है यह ओसीडी मोटिवेशन टिप्स के लिए मैं आपको फिर दे रहा हूं। यह जबरदस्त मोटिवेशन है, यदि आप इसे रोज सुनते हो तो आपकी ओसीडी ठीक होती है। बहुत सारे ऐसे सफरर हैं जो हमारी वीडियोस देख करके अपने शेड्यूल में इंप्लीमेंट करते हैं और वह अपनी ओसीडी से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। तो उनके मोटिवेशन के लिए यह चीज परोसी जा रही है कि इसके अंदर आपको मोटिवेशन भी मिलता है, अवेयरनेस भी मिलता है और यदि आप इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो कर लेते हो तो बहुत उम्दा रिजल्ट भी मिलता है और आपकी ओसीडी समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इन चीजों को समझना है। ओसीडी के अंदर मैंने अब ये आपको बता दिया कि आपने अपने माइंड को ऐसी कोई सामग्री नहीं परोसनी है जिससे आपको ऐसे बार बार लगता रहे कि हाँ ये मेरी चीजों को बढ़ावा दे रही है, मेरी चीजों को बढ़ावा दे रही है। यदि आप इसी तरीके की सामग्री अपने माइंड में परोसते रहते हो तो फिर ओसीडी से आप बाहर नहीं निकल पाओगे। नेगेटिव थॉट्स पे खास करके ब्रेक लगाना है, उसके लिए बहुत सारी ट्रिक्स हमने दे रखी है, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपको अवेलेबल करवा रखी है। चैनल पर विजिट करिए, उन ट्रिक्स को अप्लाई करिए और अपनी नेगेटिविटी से बहुत दूर पॉजिटिविटी की ओर निकल जाइए। यदि आप जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि आप अपनी मजबूरियों को अपनी मम्मा बना के रखते हो, ये मजबूरियां ही सबसे ज्यादा तो आड़े आती है ट्रीटमेंट में, और क्या चीज है सर मैं ये तो कर सकता हूं ये नहीं कर सकता, ये क्या है, ये आपकी मजबूरियां हैं और आपकी मजबूरियां आपको प्रेजेंट में वैसा करने के लिए आगे लेकर के आती है कि हाँ अब सिर्फ मजबूरियों के सहारे ही जीना है, सिर्फ मजबूरियों के सहारे ही जीना है। शोध के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि 59% लोगों को यदि रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसका एक्चुअल रीजन यही होता है कि उन्होंने अपनी मजबूरियों को नजरअंदाज नहीं किया है। ओसीडी में सिर्फ दो ही चीज चलती है, एक मकसद, दूसरा मजबूरी। यदि आपका मकसद क्लियर है कि हाँ मुझे ठीक होना है और इसके आड़े कुछ भी आ जाए, मैं कुछ भी हो जाए मैं ठीक होकर के रहूंगा, मुझे ये ठीक करना है, मैं किसी भी समस्या से लड़ सकता हूं परंतु मुझे मेरा रिजल्ट चाहिए, मुझे इससे बाहर निकलना है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता ओसीडी को ठीक करने में। और यदि आपने अपनी मजबूरी को आगे रखा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मैं बीमार हूं, क्योंकि मेरे को ये परेशानी है, क्योंकि मेरे से ये नहीं होगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि मेरे को सोशल फोबिया है, मेरे को ओसीडी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, इससे आप अपने आप को मूर्ख बनाते रहते हो और मूर्ख बनाते बनाते इस चक्कर में उलझे रहते हो और इसी उलझन के चक्कर में आप इससे बाहर नहीं निकलते। और एक और चीज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे लोगों से मैं मिला हूं, उनसे बातें भी किया है, वह एक चीज बताते हैं कि सर उनका एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे अभी इस चैनल पे वो विजिट करेंगे तो जहां एक को पता चल गया कि यहाँ ऐसा कुछ परोसा जाता है तो वो सारे लोग इकट्ठे होंगे, फिर वो खुद से एक्सपर्ट बने हुए हैं एंग्जाइटी के, ओसीडी के, फोबियाज के, उन्होंने अपने ग्रुप बना के रखे हुए हैं और उस ग्रुप में वह डिस्कशन करते हैं कि एपी माइंड वालों ने ये परोसा है, उसमें ऐसा कोई दम नहीं है, ऐसे थोड़ी ना ओसीडी ठीक होती है, ऐसा कहने से ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। वो खुद से एक, वो जैसे मीडिया में वो बैठते हैं ना एक्सपर्ट, उस तरीके से वह बनकर बैठे हुए हैं। तो यदि आप भी उसी तरीके के एक्सपर्ट बन के बैठे और किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में ऐसा सोच भी रहे हो तो बहुत जल्द उसे छोड़ दीजिए, ऐसे ग्रुप को भी छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों से भी दूर हो जाइए,
ऐसे लोग न तो आपको ठीक होने देंगे, वो खुद तो हुई नहीं है ठीक और आपको भी नहीं होने देंगे, उन लोगों से भी दूर रहें। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ, इन चुनौतियों से आप निपटिए। ये चुनौतियाँ ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटना ज़रूरी है, यह आपकी कोई पर्सनल चुनौतियाँ नहीं है, यह बाहर से मोल ली हुई चुनौतियाँ हैं, तो इनको आप ख़त्म करिए। ऐसे लोगों से बिल्कुल संपर्क न रखें जिनका खुद का कुछ नहीं हुआ और आपका भी कुछ नहीं होने देंगे, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। यदि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है तो आज ही उसे ब्लॉक कर दें, और दोबारा यदि उसका कॉल आए तो साफ शब्दों में कहे, भाई मुझे क्षमा करना, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ऐसा कह करके उन लोगों से दूर हो जाइए, क्योंकि वह आपको खराब करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इस वीडियो में जो आपको समझना है। यदि आज के इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी मानसिक समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा, और 100% छुटकारा मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है, ऐसा मैं गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो में, चैलेंज करता हूँ इस वीडियो में, और गारंटी दे रहा हूँ पूरा कि यदि आप इस तरीके का एटीट्यूड अपना डेवलप कर लेते हैं तो आपकी ओसीडी को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे साथ लोग जुड़ करके ठीक क्यों होते हैं? क्योंकि हम उनका माइंडसेट इस लेवल का बनाते हैं और उसको इस लेवल का धक्का लगाते हैं और इस लेवल का प्रिपेयर करते हैं ताकि वह इन चीज़ों से बाहर निकले। हमारे साथ जुड़ते हैं वह इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाते हैं? वह इसी वजह से हो जाते हैं क्योंकि यह मोटिवेशन हम उनको देते रहते हैं, उनको रगड़ते रहते हैं इस मोटिवेशन के साथ, और इस मोटिवेशन के चलते वह बहुत जल्द प्रिपेयर होते रहते हैं और इस चीज़ से बाहर निकलते रहते हैं। यदि आपको किसी ने ऐसा भी कह दिया है कि काफ़ी लंबे समय तक दवाइयाँ चलेगी, ये होगा, वो होगा, ये कभी ठीक नहीं होगी, ये है, वो है, ये सब झूठी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरे साथ आ जाइए, मैं आपको प्रूफ दूंगा और इन चीज़ों को मैं ठीक करूँगा। यदि आपका माइंडसेट इस लेवल का है कि हाँ मुझे ठीक होना है, तब भी आप आइए, वरना मत आइए। यदि आप सोच करके आते हो कि चलो लेकर के देख लेते हैं, कुछ होगा ठीक है वरना नहीं है, तो फिर आप कभी ठीक नहीं होंगे। ये मैं हमेशा और सीधे शब्दों में स्पष्ट बोल रहा हूँ कि यदि आप ये एटीट्यूड लेकर के हमारे पास आते हो कि चलो देख लेते हैं ट्रीटमेंट में क्या दम है, इतना लिया है आज, ये भी करके देख लेते हैं, तो इस माइंडसेट से आओगे तो फिर ठीक नहीं होगे। आपको अपना माइंडसेट एक ही बना करके आना है कि मुझे ठीक होना है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, और जो चीज यह बोलेंगे वह हम करेंगे और आप ठीक हो जाओगे। तो इस तरीके से आपको अपनी इस समस्या से बाहर निकलना है। देखो, समस्या आपकी है और इससे बाहर निकालने वाला भी आप खुद हो, तो इसमें आपको और कोई कुछ नहीं कर सकता आपकी जगह, इससे आपको खुद को बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को काम करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।